तो यहाँ पे आपको काफी कम प्राइस मिल रहा है अगर कंपेयर कर रहे हो वेन्यू से, और आपका मन है डीजल इंजन के साथ ही जाने का। अब जो गाड़ियों की बात करने वाला हूँ भाई, इन गाड़ियों में बड़ा कंफ्यूज हुआ, तो ये सेम इंजन देखे ना बड़ा कंफ्यूजिंग सा कर रखा है यहाँ पे गेम। सो गुड मॉर्निंग गाइज, वेलकम बैक टू चैनल, एंड होप करते हैं सभी बढ़िया होंगे। तो भाई आज का जो हम वीडियो बना रहे हैं, आज का वीडियो बनाने वाले हैं कि भाई आप कौन कौन सी गाड़ियां सेलेक्ट कर सकते हो 8 लाख से 12 लाख के ऑन रोड बजट में, मतलब ऑन रोड 8 लाख से और 12 लाख के बीच में आपका बजट है, तो कौन कौन सी गाड़ियों पर जा सकते हो जो बेस्ट है। तो आज हम बेस्ट की बात करेंगे यहाँ पे इस वीडियो में, और करीब मैंने 10-11 गाड़ियां हैं जो मैंने यहाँ पे सेलेक्ट करी हैं। उनमें कुछ गाड़ियां ऐसी भी हैं जो मैं उसके अल्टरनेटिव भी बता दूंगा आपको कि भाई इस पे नहीं जा रहे, इसके इधर नहीं जाना चाह रहे, तो दूसरे पे किस पे जाना चाहते हो। तो डिटेल में बात करते हैं भाई, किस पे जाने में फायदा है, किस पे जाने में नहीं फायदा है, किस पे जाओगे तो क्या इस पे फायदा मिलेगा, और अगर दूसरी पे जा रहे हो तो क्या फायदा या क्या नुकसान रहेगा आपको, कौन सा इंजन आपको ज्यादा अच्छा रहेगा, और तो वो सारी चीजें आज इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। 8 से 12 लाख का बजट अगर आपका है तो 2024 मार्च के अंदर। तो चलो शुरू करते हैं सबसे पहले अपनी वीडियो। तो चलो फर्स्ट नंबर से ही बात करते हैं, पीछे से लाओ या इधर से बताओ, बतानी तो सारी गाड़ियां ही है। तो सबसे शुरू में मैं जो गाड़ी आपको रिकमेंड करूंगा भाई, वो करूंगा मैं टाटा पंच। टाटा पंच के आप आराम से जो है एडवेंचर मैनुअल पर जा सकते हो, जिसका 7 लाख एक्सोरूम प्राइस है, और 8 लाख में आपको बड़े आराम से ये जो है ऑन रोड आ जाएगी, और बहुत सारे फीचर्स इसमें आपको आराम से मिलेंगे। एडवेंचर रिदम पे जाओगे तो वो लगभग आपको पड़ेगा 7,35,000 का एक्सोरूम, तो 8 लाख से ऊपर ही आपको वो जो है ऑन रोड पड़ेगा। और AMT पे जाओगे तो वो भी आपको 760 उसका एक्सोरूम प्राइस है, तो लगभग ऑन रोड आप और 1.25 लाख रुपया इसमें ऐड कर लो तो आराम से ही आपका जो पड़ जाएगा लगभग 8.5 लाख या 8.25-9 लाख तक पड़ेगा। अगर CNG पर जाने चाहते हो तो प्योर वेरिएंट पे इसके आप जा सकते हो, 7,23,000 से स्टार्टिंग है एक्सोरूम प्राइस इसकी। तो एक तो ये गाड़ी हो गई 1.2 लीटर इंजन में आती है, और पेट्रोल और CNG दोनों में मिलेगी, और 87 BHP की इसमें आपको पावर मिलती है। तो फर्स्ट गाड़ी तो आप भाई इस पे जा सकते हो, और आज की डेट में बहुत अच्छी सेल हो रही है, हर महीने ये गाड़ी कभी सेकेंड कभी थर्ड कभी सेकेंड कभी थर्ड इस नंबर पे सेल कर रही है, तो मारुति सुजुकी की गाड़ियों को भी टक्कर दे रही है एक तरह से ये टाटा पंच। सेकेंड गाड़ी जो मैं आपको रिकमेंड करूंगा भाई, फैमिली कार है, और दूसरा बिजनेस के पर्पज से भी बहुत अच्छी कार है, मारुति सुजुकी की स्विफ्ट डिजायर। भाई फैमिली के पर्पज से अगर आप लेना चाह रहे हो तो बूट बड़ा अच्छा मिल जाता है इस गाड़ी में, इंजन तो रिलायबल है ही है, 1.2 लीटर 4 सिलेंडर इंजन इसमें आपको मिलता है, पेट्रोल और CNG दोनों ऑप्शन आपको इसमें मिल जाएंगे। इसके आप LXi वेरिएंट से लेके और VXi ऑटोमेटिक तक आराम से जा सकते हो, वैल्यू फॉर मनी वेरिएंट है, ऑटोमेटिक या MT वो आपके ऊपर डिपेंड करता है आपको किस में ज़्यादा इंटरेस्ट है। LXi 6,56,000 से स्टार्टिंग होती है, आराम से आपका 8 से कम ही कम में पड़ जाएगा ये आपका ऑन रोड, और VXi आपका 7,50,000 से स्टार्ट होता है। तो VXi इसका वैल्यू फॉर मनी वेरिएंट मुझे लगता है जिस पर आप आराम से जा सकते हो, और लगभग आपका जो है 8.5 लाख के आसपास पहुंच जाएगा ऑन रोड प्राइस इसका। ऑटोमेटिक पे जाओगे तो 8 लाख से स्टार्ट हो जाता है VXi में, तो फिर उस पर भी आप जा सकते हो इस गाड़ी के। तो बहुत ही बढ़िया गाड़ी है, और सेडान कार में अगर आपका इंटरेस्ट है तो आप आराम से इस गाड़ी पर जा सकते हो। अब नेक्स्ट जो मैं गाड़ी की बात कर रहा हूँ भाई, ये है मारुति सुजुकी की बलेनो, लेकिन यहाँ पे आप मारुति सुजुकी की फ्रोंक्स पर भी जा सकते हो, डिपेंड करेगा आपके बजट पे। अगर आपका बजट कम है और आपको लो ग्राउंड क्लियरेंस चलेगी तो आप आराम से बलेनो पे जाओ, दोनों गाड़ियों में यही इंजन आएगा 1.2 लीटर फ्रोंक्स का, जो 1 लीटर इंजन है वो रिकमेंड नहीं करूंगा मैं आपको जो टर्बो के साथ आता है, तो इसलिए बेटर है कि आप 1.2 लीटर इंजन पे ही जाओ वो, क्योंकि कॉस्टली बहुत हो जाता है जो 1 लीटर इंजन है टर्बो फ्रोंक्स का, वो कॉस्टली बहुत हो जाता है, और उतना मुझे फिर वो वहाँ जाके वैल्यू फॉर मनी नहीं लगता। तो चलो पहले बलेनो की बात कर लेते हैं भाई। बलेनो का जो प्राइस स्टार्ट होता है सिग्मा का 6.66 लाख से स्टार्ट हो जाता है, बड़े आराम से आपके 8 लाख के बजट में आ जाएगी, और डेल्टा 7.5 लाख से स्टार्ट हो जाता है, ऑटोमेटिक जाओ डेल्टा में तो 8 लाख से स्टार्ट होता है आपका ये, और CNG में आपको जाना है तो उस पर भी जा सकते हो, 8.40 लाख से स्टार्ट हो जाता है इसमें। अगर फ्रोंक्स के आप 1.2 लीटर इंजन पे जाना चाह रहे हो तो भाई 7,52,000 से स्टार्टिंग है इसकी,
और दूसरा जो अगला वेरिएंट आएगा डेल्टा, वो 8.37 लाख एक्स शोरूम प्राइस आएगा। तो ऑन रोड आप और मान के चलो 9.5 तक आपका पहुंचेगा ये कहीं। तो ये टोटली डिपेंड करेगा आपकी नीड के हिसाब से कौन सी गाड़ी आप इन दोनों में से सेलेक्ट करना चाहते हो। और 1.2 लीटर इंजन मिलता है इन दोनों ही गाड़ियों में आपको, 4 सिलेंडर पेट्रोल और सीएनजी के साथ में। अब अगली गाड़ी की बात करते हैं। तो भाई अगली गाड़ी जो मैंने ली है वो ली है ह्यूंडई की एक्स्टर। इस गाड़ी पे भी आप आराम से जा सकते हो, एक लो बजट में काफी अच्छा ऑप्शन है आपके सामने, एक मिनी एसयूवी टाइप गाड़ी आपको मिल जाती है। और अगर हम बात करें इस गाड़ी के इंजन की, तो 1.2 लीटर इसमें पेट्रोल और सीएनजी इंजन मिल जाता है जो 82 बीएचपी की पावर निकालता है। इसका जो ईएक्स वेरिएंट है ऑप्शनल, वो 6,48,000 से स्टार्ट होता है। उसके बाद एस वेरिएंट है वो 7.5 लाख से स्टार्ट होता है। एस ऑप्शनल जो है 7.65 लाख से स्टार्ट हो जाता है। तो आप अपने हिसाब से सेलेक्ट कर सकते हो कौन से वेरिएंट पर आपको जाना है। और सारे जो वेरिएंट है ये मैंने बताए, ये आपके आराम से वैल्यू फॉर मनी भी है और प्लस आपके बजट में भी आ जाएंगे। जो 8 लाख का आप बजट अगर लेके चल रहे हो, 8-9 लाख का या 10 लाख तक का, तो बड़े आराम से आपके बजट में ये वेरिएंट्स आ जाएंगे। इसके बाद अगली गाड़ी की बात करते हैं। तो अगली गाड़ी जो मैंने ली है वो ली है सेडान, और वो है होंडा की अमेज। बहुत ही नामी और बहुत ही लो बजट की गाड़ी है। और जैसी इसमें बिल्ड क्वालिटी मिलती है, जैसा इंजन मिलता है, जैसी सर्विस है होंडा की, वो सब जानते हैं भाई, उसके बारे में बहुत ज़्यादा बोलने की जरूरत है ही नहीं। तो 1.2 लीटर इसमें पेट्रोल इंजन आपको मिल जाता है जो 89 बीएचपी की पावर निकालता है। इसका ई वेरिएंट 7,18,000 से स्टार्ट होता है। बड़े आराम से आपका 8 लाख के आसपास पहुंच जाएगा इसका जो ऑन रोड प्राइस है। और एस वेरिएंट 7.86 लाख से स्टार्ट होता है, तो वो भी आपका लगभग 9 लाख के आसपास पहुंच जाएगा ऑन रोड प्राइस में। और इसके बाद एस में अगर आपको सीवीटी चाहिए जो इसका ऑटोमेटिक है, तो वो 8.76 लाख से स्टार्टिंग है उसकी। तो अगर आपका मन है भाई ऑटोमेटिक पे जाने का, तो आप आराम से इस पे जा सकते हो। तो एक बहुत अच्छा ऑप्शन है, पूरी फैमिली कार है सेडान कार में अगर आप देखना चाह रहे हो, तो एक ये ऑप्शन आपके सामने है। डिजायर एक मैंने बताई है अगर और कम बजट में जाना चाह रहे हो तो, लेकिन अगर आपका बजट अच्छा है तो आप इस गाड़ी पे भी आराम से जा सकते हो। अब जो गाड़ियों की बात करने वाला हूँ भाई, इन गाड़ियों में बड़ा कन्फ्यूज हुआ। अगर मैं बात करूँ यहाँ पे वेन्यू की, हुंडई की वेन्यू या फिर सोनेट की, दोनों में ऑलमोस्ट सेम इंजन मिलते हैं, लेकिन अगर फिर भी मैंने देखा ना वैल्यू फॉर मनी या फिर फीचर्स वगैरह, तो मुझे यहाँ पे सोनेट ज़्यादा बेटर लग रही है। वेन्यू ना सेलेक्ट करने का या ना रिकमेंड करने का कोई मेन रीजन नहीं है उसमें। अगर आप 1.2 लीटर इंजन पे जा रहे हो, सेम वही एक्स्टर वाला इंजन है, उसमें आपको मिल जाता है पेट्रोल का, सेम पावर सेम टॉर्क उसमें आपको वही मिलेंगे जो 1.2 लीटर पेट्रोल इंजन आता है। दूसरा इंजन आता है फिर इसमें आपको 1 लीटर टर्बो इंजन, जिसका प्राइस स्टार्ट हो जाता है 10 लाख से एग्जीक्यूटिव का। 118 बीएचपी की पावर निकालता है इंजन। और इसका अगर एस ऑप्शनल पे जाओगे तो फिर 10,40,000 तक का प्राइस पहुंच जाता है। तीसरा इंजन जो आता है इसमें डीजल का आता है। डीजल इंजन का प्राइस भी इन्होंने जो काफी हाई रखा है, तो इसी बस थोड़े से प्राइजेस मुझे ना इसके हाई लगे, इसलिए मैं वेन्यू को यहाँ पे रिकमेंड नहीं कर रहा हूँ, उसकी जगह मैं सोनेट आपको यहाँ पे रिकमेंड कर रहा हूँ। डीजल इंजन प्राइस इन्होंने स्टार्ट किया है एस प्लस 10.71 लाख से, और सेम इंजन है जो क्रेटा में आता है। तो फिर इस पे क्यों रहेगा आदमी, क्रेटा पे चला जाएगा आगे। क्रेटा 11 लाख से स्टार्ट है, 30,000 का इंजन अंतर है बस दोनों गाड़ियों में। एस एक्स पे जाओगे तो 12.37 लाख से स्टार्ट है इसका वेन्यू का। लेकिन सोनेट में आपको जो है अच्छे वेरियंट मिल रहे हैं और अच्छे जो है प्राइस भी मिल रहे हैं। शुरू वाले वेरिएंट का प्राइस थोड़ा सा ऊपर है, लेकिन लुक वाइज अगर आप और डिजाइन वाइज फीचर्स वाइज देखोगे तो मुझे सोनेट ज़्यादा बेहतर लग रही है यहाँ पे। एच टी उसका 1.2 लीटर इंजन के साथ में स्टार्ट हो जाता है 7.99 लाख से, और एच टी के 8.79 लाख से स्टार्ट हो जाता है। तो ये शुरू के 2-3 वेरियंट पर आप आराम से इसके जा सकते हो सोनेट के। इसके बाद अगर 1 लीटर इंजन में आपको जाना है तो 10.49 लाख से स्टार्ट होता है इसका भाई एच टी के प्लस। और अगर आप जाना चाह रहे हो डीजल इंजन के साथ में, तो इंजन वही है सेम, ऑलमोस्ट सेम पावर वही मिल रही है जो वेन्यू में मिल रही है या जो क्रेटा में इंजन आता है डीजल वाला वो। और इसमें आपको जो है प्राइस काफ़ी कम मिल रहा है। एच टी ई 9.79 लाख से स्टार्ट होता है, और अगला जो वेरियंट है एच टी के वो 10.39 लाख से स्टार्ट हो जाता है। तो यहाँ पर आपको काफ़ी कम प्राइस मिल रहा है अगर कंपेयर कर रहे हो वेन्यू से, और आपका मन है डीजल इंजन के साथ ही जाने का, तो फिर आप यहाँ पे सोनेट पे जाओ, मुझे तो ज़्यादा बेटर वो लगेगा।
और अगर आप पेट्रोल इंजन पे जा रहे हो तो भाई फिर आप एक्स्टर पे भी जा सकते हो, जब इंजन सेम मिल रहा है, अगर 1.2 लीटर इंजन के साथ आपका जाने का मन है तो फिर आप एक्स्टर पे भी जा सकते हो। तो ये सेम इंजन देखे ना, बड़ा कंफ्यूजिंग सा कर रखा है यहाँ पे गेम, क्योंकि जब आप प्राइस 30,000 कम करके और 30,000 के ऊपर सेम इंजन के साथ में आप क्रेटा दे रहे हो, थोड़े बहुत फीचर्स का हो सकता है अंतर होगा, लेकिन फिर बंदा एक सेगमेंट ऊपर जाएगा सीधा। और सेम वहीं पे ये हो रखा है, एक्स्टर का प्राइस कहाँ से स्टार्ट है और इसका कहाँ से है, इंजन दोनों में फिर भी सेम ही मिल रहा है वेन्यू में और इसमें, तो वो भी एक बड़ा कंफ्यूजिंग सा मुझे लगता है। इसलिए यहाँ पे ना बड़ा कंफ्यूजिंग है इन दोनों कार्स में, जो वेन्यू हुई और दूसरा सोनेट, लेकिन फिर भी मुझे सोनेट यहाँ पे ज़्यादा बेटर लगी, तो इसलिए मैं रिकमेंड करूँगा सोनेट आपको। अब भाई अगली गाड़ी की बात करते हैं, तो अगली गाड़ी में यहाँ पे बात करेंगे हम टाटा नेक्सन की। काफ़ी अच्छी सेल हो रही है और काफ़ी बढ़िया परफॉर्मेंस रह रही है अभी इस गाड़ी की, फेसलिफ्ट आने के बाद से और भी बढ़िया सेल भी हो गई और परफॉर्मेंस भी। थोड़ा सा बस जो सर्विस का मैटर रहता है वो रहता है टाटा मोटर्स का, तो चलो देखते हैं उसे भी। पर पहले यहाँ पे मैं अगर गाड़ी की बात करूँ तो 1.2 लीटर इसमें रिवोट्रॉन पेट्रोल इंजन मिल जाता है और दूसरा इसमें डीजल इंजन मिलता है जो 1.5 लीटर रिवोटॉर्क मिलता है, 113 bhp की पावर निकालता है, और पेट्रोल वाला जो इंजन है वो इसका 118 bhp की पावर निकालता है। अगर हम बात करें तो इसका भाई स्मार्ट जो वेरिएंट है 8,15,000 से स्टार्ट हो जाता है 5-speed मैनुअल ट्रांसमिशन के साथ में, और स्मार्ट प्लस 9,20,000 से स्टार्ट हो जाता है। अब इसके बाद प्योर वेरिएंट जो है वो 9,80,000 से स्टार्ट होता है, लेकिन ये वाला जो प्योर वेरिएंट है ये आता है 6-speed मैनुअल ट्रांसमिशन के साथ में, और प्योर एस 10,30,000 तक स्टार्ट होता है। इसके ऊपर क्रिएटिव आता है वो 11 के ऊपर पहुंचता है, तो वो 12 लाख के बजट में तो नहीं आने वाला। तो बस ये शुरू के 4 वेरिएंट है जो आपके आराम से आ सकते हैं पेट्रोल के साथ में आपके बजट में, उसके ऊपर वाले वेरिएंट आप भूल जाओ जो 12 लाख में नहीं आने वाले, इसीलिए मैंने इस गाड़ी को थोड़ा सा बाद में आपको रिकमेंड किया है। डीजल इंजन में इसके भाई 2 वेरिएंट मैंने लिखे हैं, लेकिन दोनों ही आपके 12 लाख के बजट के ऊपर जाएंगे, तो मैं रिकमेंड नहीं करूँगा कि डीजल पर फिर आप 12 लाख में इस पर जाने का आपको कोई फ़ायदा है ही नहीं, फिर आप दूसरी गाड़ियाँ और सेलेक्ट कर सकते हो। अगर डीजल में ही आपको जाना है तो दूसरी कंपनी पर आप जा सकते हो। इसके बाद अगली गाड़ी की बात करते हैं, तो भाई वो है मारुति सुजुकी की ब्रेजा। भाई 1.5 लीटर इंजन के साथ में ये गाड़ी आपको मिलती है, प्राइस पहले से थोड़े से बढ़ गए हैं इन गाड़ियों के अभी, तो ब्रेजा का जो LXi वेरिएंट है वो स्टार्ट हो जाता है 8,34,000 से, और VXi वेरिएंट होता है 9,69,000 से, 9.69 लाख से। वहीं पर CNG में 9.29 लाख से स्टार्ट होता है और VXi 10.64 लाख से स्टार्ट हो जाता है। अब VXi ऑटोमेटिक में जैसे ही आप जाते हो तो फिर वही वो सीधा प्राइस पहुंच जाता है 11.10 लाख, मतलब आपके बजट से बाहर। केवल शुरू के 2 ही वेरिएंट हैं वो भी मैनुअल में जो आपके पास इसमें अवेलेबल हैं, तो प्राइजेस काफ़ी ज़्यादा हाई हो गए इसके भी आज की डेट में, और 12 लाख के बजट में आपको केवल 2 ही वेरिएंट मिल पा रहे हैं, CNG में ले लो या फिर पेट्रोल में चले जाओ आप, पेट्रोल CNG दोनों इंजन इसमें अवेलेबल हैं। इसके बाद अगर आपको भाई 7-सीटर चाहिए तो भाई मारुति सुजुकी की अर्टिगा मैं यहाँ पर रिकमेंड करूँगा आपको। 3 वेरिएंट इसके आपके आ जाएंगे 12 लाख के बजट में ऑन रोड प्राइस में। तो पहला वेरिएंट अगर मैं बात करूँ तो LXi है 8.69 लाख से स्टार्टिंग है इसकी, VXi ऑप्शनल 9.82 लाख से स्टार्ट हो जाता है, और जो अगला वेरिएंट है वो है VXi CNG 10.78 लाख से स्टार्टिंग है। तो ये वेरिएंट आपके आराम से इसके 12 लाख के बजट में ऑलमोस्ट आ जाएंगे, तो एक ये ऑप्शन है आपके सामने अगर 7-सीटर पर आप जाना चाह रहे हो तो। नेक्स्ट गाड़ी की बात करते हैं, तो भाई अगर आपको डीजल इंजन के साथ में जाने का मन है तो बोलेरो नियो पे आप जा सकते हो। रियर व्हील ड्राइव के साथ में ये गाड़ी मिलती है, 1.5 लीटर डीजल इंजन इसमें मिलता है, 100 bhp की पावर निकालता है, और इस गाड़ी के भी केवल 2 ही वेरिएंट आपको 12 लाख के बजट में मिल पाएंगे। अगर पहले वेरिएंट की बात करें तो N4 है, 9.90 लाख एक्स शोरूम प्राइस स्टार्ट हो जाता है, और दूसरा है N8 जो 10.5 लाख से स्टार्ट हो जाता है। तो ये 2 वेरिएंट ही आप मान के चलो कि 12 लाख के बजट में मिल पाएंगे, कि उसके बाद आपको कुछ नहीं मिलना इसमें, तो एक ये ऑप्शन आपके सामने है अगर डीजल पर आपका जाने का मन है तो। इसके बाद भाई अगली गाड़ी की बात करते हैं, तो भाई महिंद्रा की जो है XUV300, एक ये ऑप्शन आपके सामने है, लेकिन इसके लिए अभी आपको वेट करना पड़ेगा, फेसलिफ्ट इसका आने वाला है
और एक इसका जो नया इंजन इन्होंने निकाला है उसकी प्राइसिंग ऑलरेडी आपको मिल जाएगी। तो वही XUV 300W4 जो 9.30 लाख से स्टार्ट हो जाता है, पेट्रोल में 1.2 लीटर इंजन टर्बो इंजन इसमें आपको मिलता है और 129 BHP की पावर निकालता है। W6 इसका 10.5 लाख में स्टार्ट होता है, तो उस पर भी आप जा सकते हो। केवल ये दो वेरिएंट आप इसमें ले सकते हो, बाकी फेसलिफ्ट का भी प्राइस जैसे ही आएगा उसके बारे में डिस्कस करेंगे, कौन से वेरिएंट पे उसमें जाने में फ़ायदा है, कौन से पे नहीं। पुरानी वाली के आपको पता ही है, पुराने वाले पे अगर आप जा रहे हो तो उसमें अभी आपको डिस्काउंट भी काफ़ी अच्छा मिलेगा महिंद्रा की तरफ से, तो वो आपके ऊपर डिपेंड करता है आप डिस्काउंट वाले पे जाना चाहते हो या फिर फेसलिफ्ट नए जो आ रहा है उस पे जाना चाहते हो। सो गाइज, ये कुछ गाड़ियां हैं जिन पर आप आराम से जा सकते हो अगर आपको 8 लाख से 12 लाख का बजट ऑन रोड प्राइस में आपको गाड़ी अपनी सेलेक्ट करना चाह रहे हो कोई सी भी। एंड होप करता हूँ वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर कमेंट करके बताना, सब्सक्राइब करना चैनल अगर अभी तक आपने नहीं किया। मिलते हैं अगले व्लॉग में, टिल देन टेक केयर, बाय बाय।